नमस्कार दोस्तों, तुर्की की कंपनी बैराकतर ने बैराकतर टीवी 2 ड्रोन का एक और परीक्षण किया है और इस परीक्षण में ड्रोन को कई कैमानी केस क्रूज मिसाइलों से लैस किया गया था और इस परीक्षण के दौरान बैराकतर टीवी 2 ड्रोन ने कैमानी केस क्रूज मिसाइल को फायर किया और इसे ड्रोन इतिहास में एक बड़ी सफलता भी कहा जा रहा है। अभी तक किसी भी देश ने ड्रोन से क्रूज मिसाइलों को लॉन्च नहीं किया। बैराकतर टीवी 2 ड्रोन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सशस्त्र ड्रोन बन चुका है और अब इस ड्रोन में कई तरीके के हथियारों को भी फायर किया जा सकता है। इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि तुर्की ड्रोन इंडस्ट्री में एक नए मुकाम पर पहुंच गया है और इस ड्रोन ने कई युद्धों में अभ्यास लिया है, चाहे बात नारगोनो काराकबक युद्ध की हो जिसमें कि आर्मेनिया और अजरबैजान आमने सामने थे, या फिर रूस यूक्रेन के युद्ध हो। तुर्की के इस ड्रोन ने अपने आप को यहाँ पर सफल साबित किया और अब इस ड्रोन के जरिए क्रूज मिसाइल लॉन्च होने से भारत की टेंशन बढ़ गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास भी तुर्की के द्वारा दिए गए ये ड्रोन मौजूद हैं और ये बात तय है कि तुर्की अपने दोस्त पाकिस्तान को इन क्रूज मिसाइलों को भी देगा। दरअसल दोस्तों, क्रूज मिसाइलों को पहचानना और इन्हें मार गिराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और जब ये किसी ड्रोन से लॉन्च की जाती हैं तो इनकी मारक क्षमता और ज़्यादा घातक हो जाती है। तुर्की ने दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के लिए स्टेल्थ तकनीक से लैस कई युद्धपोतों का निर्माण भी शुरू कर दिया है। केमानी केस क्रूज मिसाइल दुश्मन पर उसके क्षेत्र में घुसे बिना हमला करने में सक्षम है और इसे इसी मिशन के लिए डिजाइन किया गया है और इसी साल तुर्की ने अपने इस ड्रोन से मिनी क्रूज मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। दरअसल दोस्तों, इस क्रूज मिसाइल का वजन करीबन 30 किलोग्राम है और ये अपने साथ 6 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। इसके एमुनेशन की कुल लंबाई 170 सेंटीमीटर से थोड़ा अधिक है और ये मिनी क्रूज मिसाइल टर्बोजेट इंजन से लैस है जो कि 720 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकती है और कैमनिकेस की जो क्रूज स्पीड है वो 360 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 200 किलोमीटर के रेंज तक हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल में ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है। साथ ही कैमनिकेस क्रूज मिसाइल में 36 गुना जूम, डुअल एक्सिस स्टेबलाइजेशन और लेजर रेंज फाइंडर भी है जो कि 2.8 किलोमीटर तक देख सकता है। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती आप सब जानते हैं किसी से छिपी नहीं हुई है। तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के पास तुर्की का ये जो बैराकतर टीवी 2 है वो मौजूद है और पाकिस्तानी वायुसेना के मुरीद बेस पर तुर्की का ये बैराकतर टीवी 2 ड्रोन देखा भी गया था और ये जो मुरीद बेस है पाकिस्तान का वो पंजाब के चकवाल जिले में मौजूद है और मुरीद एयरबेस से अमृतसर की दूरी महज 243 किलोमीटर है और श्रीनगर की 228 किलोमीटर। ऐसे में ये ड्रोन दोस्तों आसानी से भारतीय सीमा के आसपास की गतिविधियों पर भी नजर रख सकता है। तुर्की के बैराकतर टीवी 2 ड्रोन की अनुमानित कीमत करीबन $2 मिलियन है। तुर्की का मानना है कि इसकी सफलता के पैमाने को देखते हुए दुनिया भर के देश तुर्की से ड्रोन खरीद रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा अफ्रीकी देश है। अफ्रीका के इथोपिया, सोमालिया, नाइजर, मोरक्को, लीबिया, अंगोला, नाइजीरिया, टोगो, रवांडा, ट्यूनिशिया, जिबूती और माली इस ड्रोन को खरीद रहे हैं और इनमें से कुछ देश तो खरीद भी चुके हैं। वहीं इसके अलावा यूक्रेन, पाकिस्तान, कतर, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, पोलैंड, टोगो, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, अल्बानिया और जापान भी तुर्की के बैराकतर टीवी 2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर भारत को करना क्या चाहिए? पहले तो भारत को इसी तरीके के ड्रोन बनाने होंगे, लेकिन भारत अभी ड्रोन निर्माण की शुरुआत कर रहा है। दूसरी बात यह आती है कि अगर पाकिस्तान जैसा देश इन ड्रोन से इन क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो भारत के लिए मुसीबत खड़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर भारत को अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को इतना ज़्यादा मजबूत और सशक्त बनाना होगा जो कि इन क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके उन्हें खत्म कर सके। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात और है दोस्तों कि हमें इसके लिए अपने महंगे एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों को दागने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों ये बहुत खर्चीला और महंगा होगा। बकायदा तुर्की की जो क्रूज मिसाइलें हैं जो कि उनके बैराकतर टीवी 2 ड्रोन से छोड़ी जाएंगी वो कम कीमत की होंगी। ऐसे में भारत को सस्ते और बेहतर काउंटर मेजर्स तैयार करने होंगे जो कि इन मिसाइलों का जवाब दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मिसाइलों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब इनका इस्तेमाल ड्रोन से होता है। तो इसीलिए दोस्तों, काउंटर ड्रोन सिस्टम को इतना ज़्यादा पुख्ता बनाना होगा और किफ़ायती भी बनाना होगा ताकि जवाब मौके पर दिया जा सके। इसीलिए दोस्तों, भारत को अब ड्रोन निर्माण को तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा जो कि हो रहा है, लेकिन हमारी स्पीड अभी बहुत स्लो चल रही है। लेकिन भारत भी दोस्तों कम नहीं है। अमेरिका से 31 MQ-9B जो सशस्त्र ड्रोन है उन्हें खरीद रहा है जो कि अपने आप में किसी बाहुबली से कम नहीं है। चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर भारत संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, भारत को और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए इस तरीके के ड्रोन्स के खिलाफ?
या फिर आप ये समझिए किस तरीके की जो क्रूज़ मिसाइलें हैं इनके खिलाफ, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं दोनों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।